आज एक जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाला है, वो पहली दफा आज गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वहां पे उन्होंने जाके मुआयना वगैरह किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हम वी कैन टेक फाइट बैक टू द एनिमी। और क्यों किया आईएमएफ? इसलिए उस वक्त आप बड़े अच्छे बेटे बच्चे थे, आप अफगानिस्तान में सब साथ दे रहे थे, आप हर चीज कर रहे थे जो अमेरिकन आपसे खुश थे। रेफरेंस दे रहे थे अजीत डोवल साहब जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी एक डॉक्ट्राइन है ऑफेंसिव डिफेंस, यानी कि अगले मुल्क के अगले दुश्मन के घर में जाके जो है वो लड़ना। तो मुश्तरका पाकिस्तान को आज के पाकिस्तान में तब्दील किया और मुल्क का आधा हिस्सा जो है उसको गंवा दिया। बहुत अरसे से दो ममालिक के दरमियान मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान और भारत की, और वो मसला क्या है खालिद साहब आप बखूबी जानते हैं, यूएनजीए में भी इसकी गूंज सुनाई दी। मैं मकबूजा कश्मीर के मसले की बात कर रही हूं। हमारे मिस्टर हैंडसम ने सबसे आज जो बिलो द बेल्ट बात की है, जिसका मुझे सख्त दुख है, उन्होंने कहा कि जो आजम स्वाति के साथ हो रहा है मेरे साथ होता तो मैं सुइसाइड बॉम्बर बन जाता। आप ये देखें वेस्टर्न मीडिया उसको किस नजर से देख रहा होगा। हमने हजार दफा कहा है 1959 में इंडिया ने तमाम बैंक नेशनलाइज किए, आज तक नेशनलाइज है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, गवर्नमेंट पब्लिक मनी जो है वो तुम्हारे पास अमानत के तौर पे पड़ी हुई है, तुम अलल्ले तल्ले कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं वो एलओसी जो है उसका दौरा किया है, और एलओसी के दौरा करने पर उन्होंने साफ तरीके से कहीं ना कहीं इंडिया को गिदड़ भप्ति देने की कोशिश की है और कहा है कि जो भारत है उसके उसके वो जो भी चाल चलेगा उसका हम भरपूर जवाब देंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी नया आर्मी चीफ आता है आपको पता ही होगा कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो पहले वाला आर्मी चीफ है उससे वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ही अच्छा आर्मी चीफ है, और इसीलिए इस दौरे की भी कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि ये सिर्फ 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 और सिर्फ गीदड़ भक्ति है। वैसे भी भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर लगातार प्रेशर पीओके के ऊपर बनाया हुआ है उससे पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी जाना पड़ा, ये खुद पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पीओके के ऊपर भारत में बात हो रही है इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, और वैसे भी जो आसिम मुनीर हैं वो उस टाइम पर आए हैं जब इमरान खान लगातार बाजाओ के बाद अब उनको भी लपेटे में ले रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख भी यही कहा जा सकता है कि जो आसिम मुनीर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो बाजवा से ज़्यादा अच्छे आर्मी चीफ हैं उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया और खास करके हिलाली जो है वो कैसे शहबाज शरीफ पे भड़का हुआ है। सर आज एक जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाला है, वो पहली दफा आज गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वहां पे उन्होंने जाके मुआयना वगैरह किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास कैपेसिटी है कि हम वी कैन टेक फाइट बैक टू द एनिमी। और तारण सर बेसिकली वो रेफरेंस दे रहे थे अजीत डोवल साहब जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी एक डॉक्ट्राइन है ऑफेंसिव डिफेंस, यानी कि अगले मुल्क के अगले दुश्मन के घर में जाके जो है वो लड़ना। तो वो कह रहे हैं कि हम इसको जो है ना वापस लड़ाई वहीं पे ले जाएंगे, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। मैं वो जो हमारे पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब फ्रंट लाइन पे गए उनकी तो मजबूरी थी जाना, मैं समझता हूँ उनको जाना पड़ा है वहां पे क्योंकि गुजरात के इलेक्शन है और वहां पे उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंटें देनी थी। उन्होंने इंटरनल भी देखे, मैं ये कहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान और और मुसलमान जो है इनको भारत के अंदर इनको हमेशा यूज किया जाता है फॉर द पॉलिटिकल गेन, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कई चीजें पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली भारत से भी वो गुजरात के इलेक्शन है और इस खित्ते की बदनसीबी है कि भारत एक इतना बड़ा मुल्क है वहां पे हर वक्त इलेक्शन कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं और उन्होंने उनको डिस्ट्रैक्ट करना होता है। कभी कभी उन्होंने वहां पे लोगों के जज्बात से खेल के उन्होंने हिंदू मेजोरिटी के वोट लेने होते हैं और पिछला देख और अपॉर्चुनिटी भी थी, उन्होंने पिछला महीना डेढ़ जो है उस पर खूब पीओके उन्होंने करते रहे, तो आज आर्मी चीफ को जाना पड़ा मैं समझता हूँ, और उन्होंने जाके उसका जवाब दिया। और बिलखसूस मैं इसको कहना चाहूंगा यही हमारे खत्ते की जो है वो इश्यूज है, लेकिन दोनों साइड बल्कि दोनों साइडों के सोचना चाहिए, बोथ साइड्स आर एटॉमिक पावर्स। तो इनको हमें बताएं ना
कि इनका प्लान क्या है। अगर ये हमें प्लान बता दें तो हम फिक्रमंद नहीं करेंगे, हम सब कहेंगे वाह बड़ा जबरदस्त प्लान है आपका, बड़ा ठीक किया आपके। मगर इनका गेम पता क्या है, शोर इधर करते हैं, दुम दबा के वापस भागते हैं, और जब उधर से एक प्लान लेके आते हैं तो शोर करते हैं देखो मैंने उससे बेहतर प्लान ले आया हूं, विच इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, कोई प्लान उनके पास है ही नहीं। देखिए सीधी सादी बात यह है कि पोलाइटली आप कह दें IMF को कि देखिए आपकी जरूरत नहीं है, हमारे बड़े अच्छे प्लान्स हैं तो हम आपको बताते रहेंगे, मगर आप फिक्र ना करें, बहुत शुक्रिया आप तक जो मदद की है, मगर अब आप आराम करें। या ये कहें उनको, ये भी नहीं कह सकते यार इस आदमी को, माफ करिए इन शख्स को मैं कहता हूं कि आप ऐसे ऐसे भपकिए ना मारें, सीधी सादी बात यह है आप 2 साल ऑस्टेरिटी चलाएं और 3 चीजें से इन अवाम को दे दें, खाना फ्यूल और मेडिसिन, और अगर 2 साल ये आप कर पाएंगे तो मैं बता रहा हूं अर्बन पाकिस्तान, मिडिल क्लास पाकिस्तान और लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तान रिवोल्ट के किनारे पे आ गया है, वो नहीं टॉलरेट करेगा इस किस्म के शॉर्टेजेस खाना मेडिसिन और फ्यूल। तो प्लीज दिस इज नॉट द टाइम तो आपकी शोबाजी के चाल नहीं। देखिए मैं बताता हूं इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रॉब्लम यह है कि IMF ने हमें पूछा कहा है भाई तुम तो ये फ्लड का एक बहाना इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे से ऑस्टेरिटी आपका जो आपका जो बजट है उसको हमें वीकन करने के लिए ये तुम्हारा चाल है, इसलिए हम तुम्हें पूछ रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कि आप बताएं फ्लड्स तो हुए सिंध में मगर सीमेंट प्रोडक्शन को हार्ट में कैसा इम्पैक्ट हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया वो तो ये बात कर रही है कि जो आसिम मुनीर ने ये जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं गीदड़ भभकी है, और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने और पाकिस्तानी आवाम को ये जताने के लिए दिया है कि बाजवा सो नए आर्मी बाजवा जो है उससे वो अच्छे आर्मी चीफ हैं। दोस्तों वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आता रहता है, और ये आसिम मुनीर वही आसिम मुनीर हैं जो कि उस समय पर ISI के आर्मी चीफ हैं जब हमारे जवान जो है वो मारे गए थे, और उसका आरोप जो है वो आसिम मुनीर पे लगा था। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो आसिम मुनीर हैं वो कुछ ज़्यादा ही जो है वो आतंकवादियों के साथ उनका जो है वो उठना बैठना रहा है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक चैलेंज होगा कि आने वाले दिनों में कैसे इंडिया जो है वो आतंकवादियों को रोके, लेकिन उसके लिए तो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो तो वहाँ पे है ही, लेकिन साथ में पाकिस्तान को जिस तरीके से IMF की तरफ से करारा जवाब मिला है उसके बाद से हिलाली जो है वो भी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उस पर भड़का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहीं से भी सहायता नहीं मिल रही है, और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सहायता नहीं मिला तो पाकिस्तान एक बार फिर से जो है वो डिफ़ॉल्ट का जो खतरा है वो उस पर 100% जो है वो बन गया, जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा। दोस्तों आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें हिंदुस्तानी स्पेशल।